हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फ़ा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी का सारे चैप्टर का क्वेश्चन वन बाय वन कवर कर रहे हैं। आज जो चैप्टर होगा 12वां चैप्टर होगा, जो कि विद्युत से संबंधित है। इनके सारे सवालों को देखेंगे। सवाल देखने से पहले, अगर आपने इससे पहले 11 चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं, उन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उन वीडियो को ज़रूर देखें। आज का जो पहला सवाल शुरू करने से पहले, विद्युत क्या होता है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत धारा, तो याद रखिएगा विद्युत धारा किसे कहते हैं। याद रखिएगा, इकाई समय में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात आवेश बटे समय। तो इसका मतलब हुआ, विद्युत धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जबकि आवेश को क्यू से और समय को टी से। तो याद रखिएगा, आई बराबर क्यू बटे टी, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और क्यू बराबर यहाँ से आई टी हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही, इन दोनों में किसी एक को याद रखिएगा, बाद में की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है आप इन तीनों का मान निकाल सकते हैं। और एक चीज़ बता देना चाहते हैं, एक कूलम्ब जो आवेश में होता है, एक कूलम्ब आवेश में होता है 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अभी बताया कि आवेश की प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहते हैं, तो आवेश में इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक कूलम्ब आवेश में 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन यानी 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। और यही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में इसमें चालक में उपस्थित होता है, धातु में उपस्थित होता है, अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उसी से विद्युत धारा प्रभावित होगा, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उससे विद्युत धारा नहीं प्रभावित होगा। यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। अगर पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो याद रखिए एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है, ठीक है। तो आज चलते हैं इनके सवाल में, जो भी होगा उनमें बताने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो विद्युत आवेश क्यू बराबर आई टी होता है, इसका एसआई मात्रक बताना है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, याद रखिएगा। और अभी जैसे बताया, एक कूलम आवेश में 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हम बार बार रिपीट करते चलेंगे ताकि आपको जो है याद हो जाए ये सारे क्वेश्चन। तो एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो वन पॉइंट कितना चार्ज होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसीलिए चार्ज का मात्रक कूलम होता है, इसीलिए यहाँ पे कूलम लिखे। और पूछता कि एक कूलम में कितना आवेश होता है, यहाँ पूछा एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, एक कूलम में पूछता कितना आवेश होता है, तो 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। फिर से हम बता देते हैं, एक कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, और पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इसका आंसर ये होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीटर को, यहाँ पे अमीटर होगा, अमीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा, अमीटर को जो है ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, हमेशा इसे याद रखिएगा। और इसका प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। जबकि वोल्ट मीटर पूछेगा तो वो सामांतर क्रम में होगा और उसका प्रतिरोध उच्च होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है, तो परिपथ में विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा।
इस सवाल का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं क्यू बराबर आई टी होता है, ये कोई ये जो बताया था कि जैसे आई बराबर क्यू बटे टी, इकाई समय में प्रभावित आवेश को ही विद्युत धारा बोलते हैं। तो इससे ये फार्मूला याद कर लीजिए, क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर आई टी इसी से बन जाएगा। तो यहाँ पूछा है विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा, तो एम्पियर देखिए यहाँ पे आई बराबर यहाँ पे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो आई बराबर 0.5 दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर, और समय दे दिया है आपको 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट। तो यहाँ पे क्यू पूछा है, तो क्यू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू समय का वैल्यू 10 हो जाएगा, 10 मिनट में दिया हुआ है तो हमेशा सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6×5=30, 300 कूलम। इस तरह से आप जो है सवाल को बना सकते हैं। ये वाला फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यू बराबर आई टी, इसको याद रखिएगा, इसी से बन जाएगा। आई का वैल्यू रख दिया 0.5 और 10 मिनट रख दिया और मिनट को सेकंड में बदल दिया 60 से गुना करके, तो 300 कूलम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विद्युत आवेश पूछा है, विद्युत आवेश क्यू बराबर 300 कूलम निकला, तो सही आंसर हो जाएगा 300 कूलम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किसके बराबर होता है। यहाँ पे पूछा है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर क्या होगा, तो याद रखिए जिस प्रकार से हम लोग इकाई समय में किए गए कार्य को है ना क्षमता शक्ति बोलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है इसका भी बराबर डब्लू बटे क्यू होता है। इकाई आवेश को एक बिंदु से, मान के चलिए ये एक तार है, यहाँ पे इस आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करेंगे उसी को बोलते हैं विभवांतर, समझ गए। विभवांतर का जो खोज किया था वो अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था, इसको याद रखिएगा, अलेसांद्रो वोल्टा ये इटली के थे, और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और ये हमेशा सामांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी बराबर क्या हो जाएगा डब्लू बटे क्यू, यहाँ पे डब्लू एक बिंदु से दो तार है, एक तार है, इस बिंदु से आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना होगा उसे ही विभवांतर बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किसके बराबर है, तो वर्क बटे चार्ज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में क्या गया कार्य होगा। तो यहाँ पे फिर से जैसे अभी फार्मूला बताया भी बराबर डब्लू बटे क्यू, यहाँ पे पूछा है भी बराबर 12 वोल्ट दे दिया है और बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश क्यू बराबर 2 कूलम दे दिया है, ले जाने में क्या गया कार्य डब्लू पूछा है। तो W बराबर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो W बराबर V इंटू क्यू आ जाएगा, जहाँ पे V का वैल्यू आप रखिएगा 12 वोल्ट और Q का वैल्यू 2 रखिएगा तो 24 जूल हो जाएगा, और कार्य का मात्रक जो होता है जूल में होता है, तो 24 जूल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सब का मात्रक भी याद होना चाहिए, हम अच्छा से बना देते हैं। यहाँ पे विभवांतर भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, यहाँ डब्लू पूछा है, तो डब्लू बराबर होता है क्यू इंटू भी, यहाँ पे क्यू का वैल्यू 12 है और सॉरी क्यू का वैल्यू 2 है और वोल्ट 12 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका 24 सही आंसर हो जाएगा, 24 जूल, और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है इसलिए जूल लगा देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जूल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। तो याद रखिएगा चालक का प्रतिरोध जो होता है R बराबर रो इंटू एल बटे ए, ठीक है, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ, ये प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध जो विद्युत धारा को प्रभावित करने में रुकावट पैदा करता है उसे ही प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ए आया इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, और ये लंबाई तार का लंबाई हुआ, और ये प्रतिरोधता हुआ, उस तार जो है उसका प्रकार किस प्रकार है
तो यहाँ पे प्रतिरोधता पे भी निर्भर करेगा, लंबाई पे भी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 1200 ओम है और 220 वोल्ट का बल्ब जल रहा है तो धारा का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत बल्ब का प्रतिरोध दिया हुआ है R बराबर 1200 ओम और यहाँ पे जो है विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो ओम जो था, ओम ने नियम बताया था कि जो विद्युत धारा होगा, जो विभवांतर होगा वो IR के सीधा समान IR के बराबर होगा। ठीक है, यानी वो नियम बताया था कि विद्युत धारा जो है, विद्युत विभवांतर जो होगा वो विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होगा और R एक कांस्टेंट लिया जाता है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे प्रतिरोध दिया हुआ है 200 ओम R बराबर और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए भी बराबर IR। ये फार्मूला ओम का नियम से आता है और आपको इसको याद होना चाहिए, तभी सवाल बनेगा। यहाँ V का वैल्यू, R का वैल्यू दिया हुआ है, आपको I का वैल्यू पूछा है। तो सिंपल है, V का I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे I बराबर V बटे R और यहाँ V का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट और जब R का वैल्यू दिया हुआ है प्रतिरोध का 1200 ओम और जब इनको कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 22/11 ये हो जाएगा 60 और इनसे जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 0.18 एम्पियर के लगभग आसपास में आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.18 एम्पियर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो विद्युत हीटर 200 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? ठीक है, वो विद्युत हीटर जो होता है उसके अंदर बहुत सारा तार कॉइल के रूप में लपेटा हुआ होता है, उसका प्रतिरोध R बराबर दे दिया है 100 ओम और विद्युत हीटर में जो लाइन प्रभावित किया जाता है, जो बोर्ड से लाइन दिया गया है, वो भी बराबर 220 वोल्ट दिया गया है। तो पूछा है धारा का मान ज्ञात करें, तो भी R पता है, फिर से I बराबर भी बटे R जैसे कि पहले वाले फार्मूले में लगाया था। तो भी का वैल्यू 220 और R का वैल्यू जो है 100 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ से 0 खत्म, 2.2 एम्पियर और विद्युत धारा को एम्पियर में लिखते हैं इसलिए 2.2 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है एग्जाम में सारे न्यूमेरिकल को बना लेना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.2। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत लैंप का प्रतिरोध 20 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध तार से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और विभवांतर 6 वोल्ट प्रभावित की जाती है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल बोला है, एक विद्युत लैंप है, ठीक है, एक विद्युत लैंप है, इसका प्रतिरोध, जो विद्युत लैंप का प्रतिरोध दे दिया है, इसका प्रतिरोध R बराबर R1 बराबर मान लेते हैं 20 ओम और जो है 4 ओम का इसमें जो तार जुड़ा हुआ है लाइन देने के लिए, उसका प्रतिरोध R2 बराबर दे दिया है 4 ओम, तार श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो याद रखिए, प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तो सारे प्रतिरोध इस तरह से जुड़ते हैं। तो इस चीज़ का आपका ज्ञान होना चाहिए कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहेगा तो R1 R2, तो इसका अगर हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो टोटल R बराबर R1 जोड़ R2, इसका मतलब हुआ कि R1 20 जोड़ 24 ओम टोटल प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा और 6 वोल्ट विभवांतर दे दिया है 6 वोल्ट और पूछा है विद्युत धारा का मान, फिर से I बराबर लगा देंगे भी बटे R, जहाँ पे विभवांतर दे दिया है 6 वोल्ट और प्रतिरोध मेरा निकला 24 ओम, तो जब इनको कटाएंगे तो 1/4 जो कि 0.25 एम्पियर और विद्युत धारा को एम्पियर से ये करते हैं। तो इस तरह से जो है आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर प्रतिरोध को सामंत श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो R1 जोड़ R2 जोड़ R3 करते हैं और अगर इसे ही सामांतर क्रम में जोड़ेगा तो 1/R बराबर 1/R1
जोड़ 1/r² आगे देखेंगे इनका क्वेश्चन को। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 ओम 10 ओम तथा 30 ओम के 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट के बैटरी में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। फिर से यहाँ पे भी बराबर 12 वोल्ट दे दिया है और यहाँ पे जो है इन 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में, उस बार श्रेणी क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ता है तो प्रतिरोध इस तरह से समांतर क्रम में 1/r1 5 हो जाएगा, फिर 1/r2 10 हो जाएगा, फिर 1/r3 30 हो जाएगा। इनका लघुत्तम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 6, 3 और 1, 6, 3, 9, 10, तो 1/r बराबर हो गया 10/30, जो कि यहाँ से ये कटेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3 1 से गुना होगा, r इधर 1 से, तो r बराबर 3 ओम आ गया। तो इसे बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। तो मेरा ये तीनों का जो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इन तीनों का समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम आ गया। अब इसको 12 वोल्ट की बैटरी में भी बराबर 12 हो गया तो विद्युत धारा का मान पूछा है, तो आसान है, आई बराबर फिर से वो फार्मूला लगा दीजिए V/R। तो विभांतर जो दिया हुआ है 12 वोल्ट और प्रतिरोध 3 ओम दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से आपको एग्ज़ाम में सारे सवाल को बना लेना है। ठीक है, अगर आपने इन सवाल को बना लिया है तो एग्ज़ाम में एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पूछा है 20 ओम 30 ओम 60 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है तो उलट जाएगा 1/20 जोड़ 1/30 और जोड़ 1/60। तो सिंपल है, लघुत्तम लीजिएगा 60 आएगा, यहाँ पे 3, 2 और यहाँ पे 1, तो 3 2 5 और 1 6/60 आ जाएगा, 1/10 अर्थात 1/r बराबर 1/10 होगा। तो r का वैल्यू जो हो जाएगा 10 ओम के समतुल्य प्रतिरोध जो है 10 ओम हो जाएगा। आप इसे आसानी से बना सकते हैं और समतुल्य प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में इस तरह जोड़ते हैं 1/r1 जोड़ 1/r2 और जोड़ 1/r3, जितना भी जाएगा आगे बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार अगर श्रेणी क्रम में बोलेगा तो r1 जोड़ r2 सीधा जोड़ देते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं है श्रेणी में। समांतर में बस उल्टा कर देना है, सबको जोड़ देना है, जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कर देना। तो इसका सही आंसर क्या निकला, 10 ओम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी 220 वोल्ट वाले विद्युत हीटर में 220 वोल्ट वाला भी बराबर हो गया 220 वोल्ट वाले विद्युत हीटर 1100 वाट। यहाँ पे वाट आया, वाट जो होता है शक्ति का डिनोट करते हैं, पी ऊर्जा की खपत होती है, 1100 वाट की ऊर्जा की खपत होती है। आपके पास एक 220 का वोल्ट जो है लाइन दे रहे हैं किसी 1100 वाट का विद्युत हीटर में, जो प्रेस करते हैं इस्त्री जो होता है आयरन करने के लिए, कपड़ा प्रेस करने के लिए ऊर्जा खपत करती है 1100 वाट प्रति की दर से ऊर्जा का। उस परिपथ में विद्युत धारा का मान पूछा है, तो आप याद रखिए जैसे शक्ति बराबर वर्क बटे टाइम होता है, हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है शक्ति किसे बोलते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, मतलब आप कितना समय में कितना कार्य किए वही शक्ति होता है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है, ये विद्युत शक्ति होता है। ये पी जो होता है, पी बराबर बता देते हैं, पी बराबर भी आई होता है और पी को हम लोग विद्युत शक्ति बोलते हैं। एक विद्युत शक्ति क्या होता है, तो आप हीटर का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें ताप के रूप में यूज कर रहे हैं, बल्ब जल रहा है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा, है ना, पानी को उबाल रहे हैं हीटर से तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा, या फिर जो है शक्ति का प्रयोग आप जो है प्रकाश के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये विद्युत शक्ति ये सब का उसका सारे रूप है जो विद्युत शक्ति का प्रयोग करते हैं ये सब में। ठीक है, तो विद्युत शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है पी बराबर V/I, और ये शक्ति हीट के रूप में भी हो सकता है, ताप के रूप में भी हो सकता है, प्रकाश के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है 1100 वाट ऊर्जा की दर खपत होती है तो उस परिपथ में विद्युत धारा, तो विद्युत धारा फिर से यहाँ से निकालेंगे I/P/V हो जाएगा, जहाँ पे 1100 वाट जो है इसका ये दिया हुआ है विद्युत शक्ति
और वोल्ट विभवांतर जो है 220 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 11 दो बार में कटेगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बस ये कैलकुलेशन है, 1100 को 220 से भाग दीजिएगा तो 5 22 पंचे 110, ये 0 0 ख़त्म हो जाएगा और ये 22 पंचे 110, तो 5 एम्पियर हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि P बराबर VI आपको याद होना चाहिए हर हालत में, है ना, विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर इंटू विद्युत धारा, ये याद होना चाहिए। अगर ये विद्युत शक्ति हीट के रूप में होगा तो H बराबर VI लिख देंगे, और कितना समय में कितना तो T लिख देंगे, इसी को हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं। और इसका मतलब होता है V को अगर हम IR लिखेंगे तो इसका I स्क्वायर RT हो जाएगा हीट का, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना याद रखिए, P बराबर विभवांतर इंटू विद्युत धारा होता है विद्युत शक्ति बराबर, ठीक है। तो इसका क्या सही आंसर आ जाएगा, जब इसको P बराबर VI जब सॉरी P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, P बराबर V इंटू I, तो यहाँ पे I पूछा है तो P बटे V, और P का वैल्यू 1100 वाट रख दीजिएगा और V का 200 वाट 220 वोल्ट, तो जो है 5 एम्पियर इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी 4 ओम प्रतिरोध, किसी 4 ओम R बराबर 4 ओम दे दिया है, प्रतिरोध प्रति सेकंड T बराबर 1 सेकंड दे दिया है, प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है, एक नया चीज़ आया 100 जूल ऊष्मा, ऊष्मा हीट 100 जूल, ऊष्मा को जो है जूल से, इसका ऐसा ही मात्रक ऊष्मा का जूल होता है, उत्पन्न करती है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो अभी बताया जैसे P बराबर VI होता है, अगर इसको हीट एनर्जी के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, H बराबर VI, और T समय में अगर ऊष्मा खपत करता है तो T लगा देंगे, और V बराबर जो होता है IR होता है, जैसे कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो V के जगह पे यहाँ IR रखिएगा इंटू I, फिर T आ जाएगा, तो यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा, 2I है तो I स्क्वायर RT, तो ये फार्मूला हुआ हीट एनर्जी का। तो यहाँ पे R बराबर 4 ओम, यहाँ पे हीट एनर्जी बराबर दे दिया है, और 1 सेकंड में तो T बराबर 1 सेकंड दे दिया है, तो अभी फार्मूला क्या निकला, हीट एनर्जी बराबर I स्क्वायर RT। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हीट एनर्जी का फार्मूला आप याद कर सकते हैं। तो I स्क्वायर निकालना है यहाँ पे हमें, तो I स्क्वायर विद्युत धारा का मान पूछा है, तो I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H बटे RT। H का वैल्यू जो है ऊष्मा का 100 जूल दे दिया है, और प्रतिरोध 4 ओम दे दिया है, समय 1 सेकंड, तो 25 आ गया, और यहाँ पे I स्क्वायर है, तो I का वैल्यू क्या आ जाएगा, जाके उधर वर्गमूल चढ़ेगा जो कि 5 आ जाएगा, तो 5 ओम जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट का है, अगर बल्ब में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती तो बल्ब की शक्ति क्या है, तो ये शक्ति बल्ब की शक्ति बराबर V इंटू I, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, 220 वोल्ट विभवांतर है और 0.5 एम्पियर है ना विद्युत धारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा 10 आएगा, जो इससे कटेगा 22 पंचे 110, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं, इसका आंसर से 110, एक चीज़ याद रखिएगा, 1 किलो वाट जो होता है, 1 को तो 1 ही लिख देते हैं, किलो को जो है हम लोग 10^3 लिख सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो जानते हैं, वाट को वाट ही रख देते हैं, घंटा को 3600 सेकंड में बदल देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3600 × 10^3 × 10^2 कर सकते हैं, क्योंकि 100 है तो 10^2 × वाट सेकंड, और इसी 3600 को 3.6 × 10^6 कर देंगे, 1 0 और ले लिए, 3 2 5 और 1 0 यहाँ से ले लिए, वाट सेकंड को जूल लिखते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि एक किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10^6 जूल होता है, इसको याद रखिएगा। और 1 किलो वाट घंटा को 1 यूनिट भी बोलते हैं, जो हम लोग घरेलू जो बिजली होता है उसमें 1 किलो वाट घंटा को ही 1 यूनिट माना जाता है, और 1 यूनिट का लगभग
5 से 10 रुपया के बीच में रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 110। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ का शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो शक्ति को निरूपित नहीं करता है पूछा। हम जाने हैं पी बराबर वी आई, तो वी आई तो निरूपित, वी आई तो है ये तो निरूपित करेगा, और वी का जगह आई आर लिख देंगे वी के बदले में, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, जो कि ये भी डिनोट कर रहा है आई स्क्वायर आर। और अगर वी को हम आई को अगर आई बराबर क्या होता है वी बटे आर कर देंगे आई के जगह पे, तो वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा, जो कि ये भी डिनोट करता है। तो गलत कौन हो जाएगा जो निरूपित नहीं करता है, आई स्क्वायर आर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का विभवांतर 220 वोल्ट है, यह शक्ति 100 वाट है, जब इसमें 110 वोल्ट प्रचलित की जाती है। किसी विभवांतर जो है भी 220 वोल्ट है, और जो शक्ति दे दिया पी बराबर 100 वाट, लेकिन 120 वोल्ट जब प्रभावित की जाती है तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति क्या, यह कंडीशन दिया है कि इतना करते हैं तो ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम अगर पी बराबर भी इंटू आई, आई चाहिए तो इस दोनों डाटा दिया हुआ आई निकालने के लिए, तो हम जानते हैं पी बराबर भी इंटू आई होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे पी बटे भी हो जाएगा, क्योंकि भी आके इधर नीचे हो जाएगा इसका। तो पी का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है शक्ति का 100 और बटे 220 वोल्ट, तो इसका मतलब हुआ ये 5/11 हो जाएगा एम्पियर जो होगा 5/11, तो यहाँ पे 5/11 रख देते हैं विद्युत धारा का मान, और विभवांतर जब 110 बोला है तो इससे इसको रख देंगे, तो ये 10 बार में ख़त्म होगा, 10 × 50 वाट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 वाट। इस सवाल सबको समझ में नहीं आया है तो फार्मूला बैठा के आप कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिए, एकदम निश्चित रूप से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो बता दिया है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सामांतर क्रम या पार्श्वक्रम। ठीक है, दो तरह से पूछता है, सामांतर या पार्श्वक्रम एक ही है, तो जो भी रहेगा ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस दोस्तों यहीं तक ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एकदम ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और सबसे पहले जो है कमेंट करना ना भूले। अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई सजेशन देना है तो एकदम कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए चैनल को, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो और भी डालने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, दम दिल से लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।